शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाना आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा है? मैं अपनी एक खुशी के लिए सबकी खुशियां नहीं छीन सकता माँ। तुम मुझे चाहते हो, प्यार करते हो तुम मुझसे। तो यहाँ से निकल चले मालिक। नहीं, वो बारिश ज्यादा तेज हो रही है ना, इसीलिए कहा। ये 100 साल पुराना बांध है, अंग्रेजों के जमाने का, इसीलिए अब तक चल रहा है। लेकिन और नहीं चलेगा। पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था, और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि अब तो बांध की रिपेयरिंग होनी ही चाहिए। और रिपेयरिंग करने के लिए पहले बांध का पानी निकालना जरूरी है। हम उत्तर की ओर छेद करके बांध का पानी निकाल सकते हैं। ओए, उस तरफ हमारे खेत है, वहाँ से पानी निकालने से हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अरे बांध टूट जाएगा तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। विष्णु प्रताप जी के खेत भी तो उसी तरफ है। नहीं नहीं, मेरे खेतों की कोई फिक्र मत करो, गांव सलामत रहे बस। बोलिए वीरेंद्र प्रताप जी, आप क्या कहते हैं? मुझे मंजूर नहीं है। उनसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूंगा। भिखारी समाज अक्कम को क्या फेंक देंगे हमको? ये तो गांव की भले की बात कर रहे हैं रुद्र प्रताप। ये क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? उस वक्त कहां थे ये गांव वाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था? जब हमारे घर में आग लगी थी उस वक्त तो कोई नहीं आया आग बुझाने। तुम इंजीनियर हो, बांध को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। हमारी फसलों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बस चलिए दाऊ जी, और तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना काट के रख दूंगा और कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। जाओ यहाँ से। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, न इन दोनों में कभी मेल होगा न कभी इस गाँव का कुछ भला होगा। बिल्कुल ठीक कहा। चलो भाई, चलो भाई, चलो। गोविंद, उन्हें कुछ चाहिए? अपने आप तो तेरे मालिक एक ग्लास पानी भी नहीं मांगेंगे। जा। पूछूंगा तो हमेशा की तरह ना ही बोलेंगे। पानी लाऊं साहब जी? तुम्हारी मालकिन ने दवा ले ली। मुझे तो पहले ही पता था, मालकिन आपके खाने का पूछेंगी, आप उनके दवा का पूछेंगे। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। दूध लाऊं गर्मा गर्म? नहीं गोविंद, तुम एक काम करो, पुरोहित को बुला लाओ। एक तो शनि की महादशा चल रही है। कहाँ चल रही है?
ऊपर से शुक्र निचले स्थान पर बैठा हुआ है। मन की शांति हो कैसे सकती है? इसीलिए तो आपको बुलाया ना पंडित जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। उपाय तो मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूं गोविंद, लेकिन जजमान मेरी बात हमेशा टाल देते हैं। देखिए, मेरा कहना मानिए, अपना षष्ठी पूर्ति का उत्सव मनाइए, सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाकर 9 ग्रहों की शांति का पाठ करवा दीजिए। घर में रौनक होगी तो बीवी जी की तबीयत जो नरम गरम चल रही है ना, वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ही तो है साहब जी, कुछ नहीं है तो मालकिन की तबीयत का ख्याल करके तो मान जाइए। ठीक है गोविंद, बुला लो सबको। ये लो ये बॉटल रख दो। हाँ? इसे भी रखो और ये बिस्किट लो। वहां पहुंचते मुझे फोन कर लो। आपके अलावा वहां सभी लोग आ पहुंचे होंगे, क्या सोचेंगे वो लोग कि आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है? आपका कौन सा बाबूजी के साथ खून का रिश्ता है? तुम भी कैसी बातें कर रहे रत्ना, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। और फिर सभी जानते हैं बाबूजी के काम से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा। अरे मेरे आने तक तुम और मंगला तो हो ही ना। गाड़ी जाने का सिग्नल भी हो गया। कहाँ चली गई? टिकट रख लो। अरे मंगला कहाँ रह गई? ये गोलियां सुबह नाश्ते के पहले और ये कैप्सूल्स खाने के बाद। ठीक है बाबा, क्या मैं ले लूंगा। चलो चलो चलो। पापा निकल हो गया, ऐसे कैसे निकल जाएगी? मंगला को लिए बिलो। और तुम चलो 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 चलो। क्या हुआ पापा? आई लव यू, टेक केयर, सी यू सून पापा। आई लव यू टू। बाय बाय रत्ता, बाय। पापा रियली मिस यू। बताइए गन्ना पका की नहीं? हाँ ला ला, तेरे खाने लायक तो पकी गया होगा। अरे गोविंद, अरे नो तुम यहीं पे खड़ा हूँ। नैना बेटी आने से पहले खेत से गन्ना तो मंगवा लो। मुझे तो पहले ही पता था, नैना बेटिया के आने से पहले ही मैंने खेत से गन्ना मंगवा लिया। तू हाँ बेटा, अपनी घड़ी निकाली, अपनी घड़ी निकाली। लो भाई ये लो, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आई हूँ। वाह 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 वाह, कैसी लगी? अरे घड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? कौन से मेरे पैसे लगे, बिल तो डैडी ने चुकाया ना। लो। और सुनाओ डॉक्टरनी साहिबा, तुम्हारी डॉक्टरी कहाँ तक पहुँची? ए अपना छोटू है ना छोटू, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में पहुँच गया, लेकिन मंगला बिटिया की डॉक्टरी अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे गोविंद, डॉक्टरी करने के लिए 5 साल लगते हैं। छोड़िए छोड़िए, कोई अगर दिल लगा कर पढ़े ना तो 1-2 साल बहुत हो गए, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। तो तू पैसे गोविंद दादा के पास सच ही है क्या? कि आपने मुझे बिगाड़ कर रखा है। वो कैसे? मेरी हर बात मान लेते हैं आप। आप कौन सी बात मनवानी है मुझसे? बस एक आइडिया है। Hey, listen everybody, क्यों ना दद्दू की षष्ठी पूर्ति के मौके पर हम दद्दू और दादी माँ की शादी फिर से करा दे। वाह 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 वाह, सुन लिया तुमने? और खूब धूम धड़ाका होगा, बैंड बाजा बजेगा और आतिशबाजी भी होगी। क्या बात है, ढोलक पे गीत गाए जाएंगे, मेरी प्यारी दद्दिया बनेगी दुल्हनिया। चुप! क्या ये? एक कुत्ता के लिए। घासफूस, घासफूस खाएगी मेरे से। हट! जा जाके वड़ा ले गया। बाबूजी, आपका नाश्ता। अरे ओ रुद्र, कुत्तों को कुछ खिला पिला कर चुप करा, बेकार में क्यों चलवा रहा है?
इसलिए चिल्ला रहा हूं ताई जी, ताकि उस घर का शोर इस घर में सुनाई ना दे। शोर नहीं है रुद्र बाबू, ये तो खुशियों का राग है। सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से शादी कर रहे हैं। पांव कब्र में लटक रहे हैं बुड्ढे बुढ़िया के, और शादी रचाने चले हैं। अरे फेरे फिरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा। माँ ये गहने बक्से में रख देती हूँ। माँ इंद्र भैया की याद आ रही है, 25 साल बीत गए इस बात को, आपको अब भी उनकी याद सताती है? हाँ बेटी, इंसान चले जाते हैं, उनकी याद रह जाती है। जिस तरह 25 सालों से जंजीर इस डब्बे में बंद है, उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है। काश मैं इंद्र के परिवार को एक बार देख पाती, बस एक बार। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से मालकिन इतनी दुखी है। अरे 25 साल गुजर गए उस बात को, अब तो गुस्सा दुख दीजिए। मालकिन एक बार इंद्र बाबू के परिवार को देखना चाहती है। मुझे इस घर की सुख शांति मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाकर चला गया, उसके लिए तुम्हारी मालकिन को क्यों इतना प्यार उमड़ आ रहा है? वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लिए बुरा भला मत बोलिए। वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो? क्यों बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया है? अब तक जीने की एक आस थी मन में, लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ माँ सुनो तो। मंगला जाओ गोविंद जाओ, मुंबई वालों को भी तार भेज दो। माय पल्स माय बडीज माय फ्रेंड्स, टुडे वी ऑल ग्रेजुएटेड। पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है। आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे। I'm really sad this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you. We'll really miss you, Miss Jaitley. चला।
हेलो 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 मिसेज अगारकर, वी ऑल नो यू लव पुराना क्रिकेटर गावस्कर, बट वी आर वेरी वेरी सॉरी टू टेल यू देयर इज नो वन ग्रेटर देन अपना सचिन तेंदुलकर. वो दिन वो बहार याद आए, कॉलेज का मल्हार याद आए, कैंटीन की तकरार याद आए, लाइब्रेरी का प्यार याद आए. खूबसूरत जवान दिलनशी लड़कियां चाहती थी मुझे, सब हंसी लड़कियां हॉस्टल वाली खिड़की के पीछे करना इंतजार याद आए. चराग जिन पे लाए, मंजिलों की रोशनी दिखाए, धीरे धीरे उम्मीद जगाए, सबको सबका रसिता बुलाए. कुछ तो बिंदास है, कुछ परेशान है, स्टार बन जाए. अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया जिंदगी का सफर. आला ला 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 मैं दीवाना, मैं तुम्हारा सबका दिल चुरा के मैं चला. ये लो माँ. Hey, I graduated. Whoa. खुश रहो. माम, ये कहाँ जाने की तैयारी? मत बताना माँ, तुम ही सोचो. वाराणसी. नहीं. वैष्णो देवी. बिल्कुल नहीं. हाँ, वैसे हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं जो हमें अपने घर बुलाए. ये तो माँ से ही पूछना. मैं माँ से ही पूछ रहा हूँ, तू ही बीच में बार बार बोलती रहती है. फूल. माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग नहीं, हम सब लोग. हम सब? तुम्हारे दादाजी के यहाँ. दादाजी के घर? हाँ बेटा, इतने सालों बाद उनके यहाँ से चिट्ठी आई है, हम सबको गाँव बुलाया है. ओके. लेकिन कब? आज शाम की ट्रेन से. रियली? भैया. दैट्स ग्रेट न्यूज. हेलो, हम मुंबई से आए हैं. आइए 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 आइए. थैंक यू. सामान अंदर है. सामान तो आता ही रहेगा, आप लोग पहले अंदर तो चलिए. आइए आइए. चलो माँ. आइए आइए आइए. मालकिन, मालकिन उठिए तो, देखिए तो कौन आया है. मुंबई वाले आए हैं. आइए आइए. कौन सी क्लास में हो? एट में.
करती रहो, और तुम अबे? जी अब मैंने LLB किया है, यानी कि इंजीनियरिंग? नहीं, वकील। मुझे तो पहले ही पता था। देखो ना, ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देख मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था। अरे अरे, ये क्या है मालकिन? खुद तो जिद करके इन लोगों को यहाँ बुलाया और खुश होने के बजाय खुद ही रो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है? खूब खुश रहो, कहा या नहीं? इनको इनका कमरा दिखा। हाँ, आइए, चलिए। जाओ बेटे। नमस्ते। बहू, वैसे तो ये सारा घर ही तुम्हारा है, खुश रहो। काश कि इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और ही आशीर्वाद दे पाती मैं, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी। थक गए होंगे ना सफर में? जी। अरे कितना लंबा सफर है, कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए। सुबह उठते मैं आपको बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगा, अरे ऐसा नाश्ता खिलाऊंगा कि वो भी रखो। वो आपके दादाजी अभी भी नींद से जागे हैं ना, इसलिए वो थोड़े से, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अब आराम कीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, सुबह होते ही लौट जाएंगे। अभय, माँ घर बुला के बेइज्जत करने का क्या मतलब? इन्होंने हमें प्यार की वजह से नहीं बुलाया, अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजा है। उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी हैं, और वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता के पिता। सो व्हाट माँ, हमारे पास किस बात की कमी है? बहुत बड़ी कमी है अभय, हमारे सर पर बुजुर्गों का साया नहीं है बेटा। माँ, अभय जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शांत करें, तुम्हें उनके करीब ले आए। लेकिन बेटा अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अब किसी भी तरह अपने डैडी की अधूरी इच्छा पूरी करो बेटा। देखो बेटा, बड़ों के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों की नाराजगी जो है ना वो सिर्फ सतह पर होती है, भीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है। हाँ भैया, दादी माँ ने जब मेरा हाथ छुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तुम्हारी आंखें भी तो भर आई थी ना। चल चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बड़ा चढ़ा के बोल रही है तू। हाँ, क्या मशीन है,
न साबुन, न बुरुस, न ब्लेड, न पानी। आपके पोते जी जब बंबई वापस जाएंगे ना, तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए। उस मशीन से मैं आपकी दाढ़ी वही वही। क्या कर रहा है तू? काम की तरफ ध्यान दे। माफ करना, माफ करना। कौन है ये सुबह सुबह आवाज कर रहा है? मर गया, मर गया। आई बच गया। टेबल की घड़ी थी, दीवार की घड़ी नहीं थी। लगता है 5 दिन से नाई नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में। क्यों क्यों? ओ यहाँ और बाथरूम नहीं है? है ना, घर के भीतर में। ओके सी अप। वहाँ लेडीज ही नहाती है। लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो, तुम बाहर भी नहा सकते हो, है ना? ओ, कोई लेडीज ने देख लिया तो? ये बच्चे तो बहुत तेज है। क्या कर रही है? ये तो मामला गड़बड़। अंदर वाला बाहर आएगा। 5 मिनट, 1, 2, 3, 4, यानी 20 मिनट। लाइफ ना हो तो ऐसी। किड्स, जब तक अंदर वाला बाहर आता है, क्यों ना हमें खेल खेले? खेल? यस, रेलगाड़ी। कम ऑन, अबाउट टर्न। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक। क्या हुआ? क्यों रुक गए? स्टेशन आ गया, खेल खत्म। फाउल, फाउल, फाउल। सबसे आगे मैं था। ओके, तुम सब जीत गए, मैं हार गया। वो क्या है उधर? बाथरूम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसमें कुंडी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं गाना गाकर काम चला लूंगा। ला 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 जा पा पा। क्या हुआ सुंदरी? सुंदरी, देखा उस मुंबई वाली का मुखड़ा? मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा। उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था। आ रहा है वो मुंबई वाला। हाय बड़ी बुआ, दाल पीस रही है? बड़ी नहीं, मैं छोटी बुआ हूँ। सॉरी, पहली बार मिले हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अरे अरे, तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो? अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है, अपना ही घर है। वैसे भी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। आपको पता है, दरअसल मेरा आइडिया होटल खोलने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। छोटी बुआ, एक बात बताइए, घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबट्टे पर दाल क्यों पीस रही? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादाजी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं। ओ। आउच। ओ, दब गई क्या उंगली? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। छोटी बहन, मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबरा गई। जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप रह गई। पिट्टी पिस गई ना? हाँ, अभी लाई। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेकर जाता हूँ। इतनी अच्छी खुशबू उसने वड़ों की तो नहीं हो सकती, इसमें जरूर आपकी उंगलियों की खुशबू भी शामिल है। अब है, यहाँ रखूं? बुआ जी के तो बड़े सुंदर बाल हैं। बड़ी बुआ, क्या फूफा जी बहुत पुराने ख्यालों के हैं? नहीं तो क्यों? नहीं, ये जो एक रोटी बना रखी है आपने,
आपकी फेस कट के हिसाब से तो दो चोटियां आपको बहुत सूट करेंगी। हाँ बड़ी अच्छी लगूंगी ना इस उम्र में दो चोटियां बना के। अजी उम्र का चोटियों से क्या मतलब, इतने खूबसूरत बाल जो हैं आपके, जरा घूमिए तो मैं बना कर देता हूँ दो चोटियां। तुम बनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा घूमिए तो। असल में तो मेरा आइडिया हेयर स्टाइलिस्ट बनने का था, ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। क्या बाल हैं आपके, लेकिन कभी कभी शैम्पू के अलावा शिकाकाई से भी धोया कीजिएगा, बिल्कुल रेशम हो जाएंगे, आसानी से मिलता है, मैं ला कर दूंगा आपको। अब फूफा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ सच, कैन आई हैव अ डांस? थैंक यू, अब यही है साल रखना। अच्छा तो ये बड़े बन रहे तुम्हारे? हाय राम, अभी ने चोटियां बनाने में सब भुला दिया। हाँ बहुत नन्ही मुन्नी हो ना दो चोटियां लटका के घूमने के लिए। ऐसा भी अभी ने कहा था। हाँ ये कोई उम्र है दो चोटियां रखने की, पर बड़ी बुआ मानी ही नहीं, बोली इतने खूबसूरत बाल हैं रेशम जैसे, तो मैंने ऐसा मैंने कहा था। हाँ चलो मैंने कहा बस, लेकिन चाची ये कोई झगड़ने की बात है? अच्छा जले भुने जैसे भी हो बाहर ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। सच बताऊं बड़ी बुआ, बड़ी उम्र वालों को कम उम्र वालों की उम्र और कम होते देखकर जलन होती है। एक बात बताओ, बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही है आप। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट है, तभी तो मेरी आपकी जमेगी। अब भाई सॉरी सॉरी। हे क्या हो रहा है? पूजा के लिए फूल ले रही थी। पूजा? कौन पूजा? कौन नहीं, भगवान की पूजा के लिए, वो हमारे बम्बे में तो फूल वाला घर पे ही फूल ले आता है। हमारी मुंबई? ओ कितने में खरीदे तुमने मुंबई? मेरा मतलब वो नहीं है, देखो ये अपनी मुंबई का रोबा भी नहीं दिखाना। क्या इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरा, मेरी इजाजत के बिना फूल तो क्या कोई पत्ती भी नहीं तोड़ सकता, क्या समझी? हाँ और वो तुम्हारे भैया कहाँ मुंह छुपाए बैठे, नजर ही नहीं आते, पलट के तो देखो नाक के आगे ही नजर आएंगे। रह गई ना अटक के। क्या है कि अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है, गोबर के कंडे जैसी। Come on guys, follow me. चलो चलो। Not you. Kids follow me. left, right. तेरा रुबाब तो देखो इसका, जैसे इसके बाप का घर हो। उसके बाप का नहीं, तेरे और मेरे बाप का है। न जाने क्या समझती है अपने आप को, ये कौन है? डैडी के किसी दोस्त की लड़की है, बचपन से यहाँ आती जाती रही है तो दादाजी की लाडली बन गई है। तुम देखो मैं इसे कैसा सीधा करता हूँ, डोंट वरी। खबरदार तुम में से कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा, अपनी पार्टी अलग उसकी अलग। ये भी कोई कहने की बात है दीदी, हम जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, आखिर आप कैप्टन है हमारी। गुड ओके चलो तुम लोग सब फीलिंग करो और तुम बोलेंगे। फीलिंग करो मैं बॉलिंग करता हूँ। क्यों बच्चों गिली डंडा चल रहा है? नहीं क्रिकेट में क्रिकेट और गिली डंडा में फर्क नहीं मालूम। बिना अंपायर के तो गिली डंडा ही हो सकता है, और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है इंटरनेशनल गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बहुत जानकारी है तुम्हें क्रिकेट के बारे में। असल में तो आइडिया क्रिकेटर बनने का था, ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। ये बताओ तुम्हारे यहाँ केबल टीवी है? अभी अभी हमारे मैच का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, सचिन भी था साथ में, सचिन तेंदुलकर। चौके तो सिर्फ तुमने ही लगाए होंगे। कुछ सिक्सेस भी लगाए थे बट नो सिंगल्स। देखो ये वही अपनी मुंबई में जाके फेंकना, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है नहीं फेंकता, बॉल फेंको आजाद। देखता हूँ कितने सिक्सेस मारती है। चला बॉलिंग अच्छी। चलो अब देखते हैं लेडीज क्रिकेट कैसे खेलती है। कम ऑन चॉकलेट ये।
शर्म नहीं आती है? रिश्वत देते हो? ये रिश्वत नहीं है दीदी, ये तो चॉकलेट है। मुझे और दो, और दो। रिलैक्स, रिलैक्स। बट अब मुझे भी खेलने दोगे? खेलना क्या, इसी तरह तुम चॉकलेट दो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। थैंक यू। अरे अभी तो तुमने मुझे कैप्टन बनाया था। जाओ तुम्हें एम्पायर बना देंगे। गुड। चार चॉकलेट के लिए तुम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। जाओ मैंने खेली तुम्हारे साथ, जाओ तुम। अरे ये तो रुट के जा रही है, क्या नाम है उसका? मंगला। कुछ जंगला जैसा सुनाई देता है, एक बार बोल के देखो। जंगला मंगला, जंगला मंगला, जंगला मंगला। अरे कल मोहन जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। एक चम्मच शक्कर उधार के लिए पूरा डिब्बा लेकर आती है और हमारी पे हुक्म चलाती है। अरे भौजी थोड़ी सी चीनी ले लो। भौजी थोड़ी सी? हाँ। अंदर जाके ले ले। अच्छा डब्बा भर के ले लेना हमेशा की तरह। वही तो। दादी हाँ, ये कैसा नाम रखा है आप लोगों ने मेरा? क्यों क्या हुआ? आज के जमाने में इतना पुराना नाम कोई रखता है? मंगला। देख दरअसल ये तो मेरा नाम है, तेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तुझे दे दिया। वाह वाह वाह, क्या ये अच्छा लगेगा, डॉक्टर मंगला जयकुमार सोलंकी MBBS। ना बोलने में ठीक ना सुनने में ठीक। चलो मेरे माँ बाप को अक्कल नहीं थी, पर आपके माँ बाप को इससे अच्छा और कोई नाम नहीं मिला? चुप, अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं करते। और सुन, मेरे स्वर के माता पिता के बारे में तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ वो देखो ना, वो अभय का बच्चा सबको अपनी तरफ मिला के मुझे चिढ़ा रहा है। मंगला जंगला, मंगला जंगला। हाय हाय, तो हो गई छेड़छाड़ शुरू, अब यही आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। कांता, अरे यही तो होवे है फिल्म में। और भौजी आप जो कहती है ना कि इस लड़की से घर में रौनक है, अरे इसे तो घर से विदा करने का जी ही नहीं करेगा आपका। सुबह कहूँ अपने पोते से ही फेरे फिरवा लो, घर की घर में बनी रहेगी छोरी। गोबर की कंडी जैसी तो शक्ल है उसकी, तू ही कर ले उससे ब्याह। अरे फट करके कर लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा मर्द है बड़ा जल्लाद, काट के फेंक देगा मुझे। वाओ, सिक्स। आखिर मारा किसने? वाओ, व्हाट अ फाइन शॉट भैया। अरे बॉल तो उस घर में चले गई, अब हम कैसे खेलेंगे? बॉल कौन लेके आएगा भैया? ओह मैं लाऊंगा। पॉल आ गई थी आपके यहाँ। मैं विष्णु प्रताप जी का पोता हूँ, मुंबई से आया हूँ। यानी तुम इंद्र के बेटे हो? जी। आई एम सॉरी, बिना पूछे अंदर चला आया, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैं जाता हूं। बात छोड़िए ताऊजी। रुद्र अपना दिमाग ठंडा रखो, इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। रामनवमी को नदी पार के मंदिर में उत्सव होगा यजमान, तो मैं ये कह रहा था उस दिन आप सपरिवार वहां जाकर पुजारी को वस्त्रादि भेंट करके आप वापस आ जाइए, और आने के बाद अपना षष्ठी पूर्ति मना लीजिए। उसके बाद फिर पंचमी का दिन तो बहुत शुभ निकलता है, उस दिन आप इनके विवाह की रस्म पूरी कर लें। मतलब 12 दिन के बाद? जी। क्यों बेटे, तुम्हें कोई दिक्कत है 12 दिन के बाद? नहीं बाबू जी, दिक्कत तो कोई नहीं है, बीच में एक जरूरी काम के लिए शायद शहर जाना पड़ेगा, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी आप पत्रिका तो लिखिए। अच्छा जजमान, मैं शुभ घड़ी देखकर लिख देता हूँ। ठीक है, पंडित जी को 101 रुपया दक्षिणा दे देना। जी बाबू जी। ओ मेरे पास तो सिर्फ 500 की नोट है। मेरे पास भी छुट्टी नहीं। मेरे पास है, ये लीजिए। लाओ। जय श्रीपाल।
पंडित जी को 501 रुपए देना। नानी माँ आपकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। नानी माँ आपकी शादी अब हो रही है, मेरी माँ की शादी तो कब की हो गई? माँ की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। ये दादाजी की षष्ठी पूर्ति की शादी है, उनकी 60वीं है ना? 60वीं तो बाकी की 59 नानियाँ कहाँ है? ये क्या हो रहा है मिस्टर? आजकल जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है। चुप कर, मैं नहीं कहा था इसे मलहम लगाने के लिए, बहुत दर्द था मेरे पाँव में। थैंक यू दादी माँ। दवा लो दादिया, उम्र की वजह से है ये दर्द। अच्छा, उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उतनी है, ये बताओ इसमें दर्द क्यों नहीं है? डॉक्टर मंगला जंगला 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 जंगला। मैंने तो सिर्फ जंगला कहा, जंगला तो नहीं कहा। अभय, तू इस बेचारी को क्यों सताता रहता है? हाँ, किस बेचारी को माँ? मंगला को और किसको? माँ कोई बेचारी बेचारी नहीं है, वो बहुत चालू है। दीपा, ओके माँ, अगर तू कहती है तो अभी जाके सॉरी। रहने दे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, भाई काम लिपट जाएगा। अरे सुन तो, अभय आपसे, फिर भी आप उसे मारे जा रहे थे, क्या हो गया आपको? छोड़ो मुझे, इंद्र प्रताप का बेटा गांव आया हुआ है, मैं तो उसी दिन मार डालता, लेकिन ताऊजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भले ही मुझे छुप कर वार करना पड़े, जब तक उसे नहीं मार डालता मुझे चैन नहीं मिलेगा। बंद करो, किसकी आवाज में दिमाग खराब हो रहा है? अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया, आपको दिमाग खराब। बैलगाड़ी में बैठकर पिक्चर देखने जा रहे हो? ओके, गांव में आए हो तो बैलगाड़ी में भी बैठना चाहिए। यू आर राइट, वैसे ये ट्रैक्टर भी गांव की सवारी है ना? हाँ भैया। अच्छा, 12 का शो देखने जा रहे हो या 3 का? 12 के शो में भैया। लेकिन इस स्पीड से तो 6 बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोगे। जिनको 12 का शो देखना है वो मेरे साथ आ जाए। अभी 1 की सवारी और है। मैं बेशर्मक सर नहीं जाती। लेकिन मैं जाता हूँ ना। क्या दीदी, क्यों देरी लगा रही हो? पिक्चर छूट जाएगी, जल्दी आओ ना। दीदी आ गई।
हाय, ट्रैक्टर में बैठने के लिए इतना भाव खा रही, अब क्या हुआ? ओए, ये गलत फहमी में मत रहना, मैं ट्रैक्टर पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे दादाजी का है। ठीक है, मैंने कब कहा तुम्हारे पति का है? मेरा पति ट्रैक्टर नहीं चलाता। तो क्या लॉरी चलाता है? अरे चुप, ऐसा मत बोलो, इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूँ, ऐसा लगेगा जैसे मैं इनका। तुम और मेरे पति, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी चाय में जहर डाल के तुम्हें मार देती। और अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी से पी लेता। बच्चों होल्ड ऑन, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसे ये ट्रैक्टर दादाजी का है वैसे ही मैं भी उन्हीं का, तुम मुझे पकड़ सकती हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा, पकड़ लो मुझे, कोई दूसरा ढूंढ लो। ओके, छोड़ना, चुप, ये नकली है ना। अभी बैक ले लो, अभी गाड़ी ले लो, गिव इट बैक, गिव इट बैक। इंजन बंद कर दो भैया, जंगली हाथी हैं, बिगड़ गए तो रौंद के रख देंगे। तेजा कहाँ है? कौन तेजा? तेरा बाप? ए, धक्का क्यों दे रहे हो? ये मेरा है। तो फिर मैं हाथ कहाँ रखूं? उस तरफ दूसरा है ना। ये हाथ उस तरफ रखूं? तो मेरे कंधे पर रखो। ये तो पहले ही पता था। ए, घर आ गया। क्या हुआ? ओके। यहां सर रख के सोने का क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जब इंसान थका हुआ हो तो खाद के बोरे पर भी सर रख कर सो सकता है। ओह, गुड नाइट। गुड नाइट। अब है? हाय। ये मंगला का ब्रेसलेट है ना? हाँ, वो अब नीचे पड़ा मिला था। मंगला तो कह रही थी कि जादू दिखाने के बहाने से तुमने उससे ले लिया। हाँ, हाँ वो ऐसे ही, यू नो। तुम मंगला को चाहने लगे हो ना? अरे माँ, भी देखो अब है, तुम्हारे दादाजी पहले हमसे बेटा बहुत नाराज है। माँ, अब अगर उनको इस बात का पता चल गया ना तो बेटा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुना है वो अपने करीब के रिश्तेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं। माँ, हमसे करीबी रिश्तेदार उनका और कौन हो सकता है? हेलो। हाय। मिठाई। अरे पहले बताना था, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं है, मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। ब्रेसलेट? कैसा ब्रेसलेट? जो कल तुमने जादू के बहाने ले लिया था वो ब्रेसलेट। मैडम वो कोई बहाना नहीं था, तुम्हारे सामने ही तो मैंने ब्रेसलेट का लड्डू बनाया था, तुमने खाया भी था, मीठा था ना? हाँ मीठा था। अब मैं तुम्हें लड्डू दे रही हूँ,
मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस कर दो। इस लड्डू से ब्रेसलेट नहीं बन सकता। ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू, लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट। ठीक है, उसी दुकान से लड्डू मंगवा कर देती हूँ। ऐसा कोई लड्डू नहीं चलेगा, वही जो तुमने खाया था वही चाहिए, उसी से बनेगा ना ब्रेसलेट। ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू, लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट। ओके। हे भगवान, मुझे इससे बचा। ये जवानी है। ना 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 ना। गुड मॉर्निंग। ये पैंट शर्ट प्लीज फटाफट इस्त्री कर दे। इतना बल खाने की जरूरत नहीं। सुंदरी, वो फिर उधर गया। किधर? उसी बिना कुंडी वाले बाथरूम में। तुम भी जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। ए, पैंट तो दीदी जाओ। आज फ्री शो दिखाती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। तत्पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के सम्मुख पहुंचकर कहते हैं, मंगला जी, तुमने दवाई ले ली? जी। के माते, खाने से पहले ले ली या खाने के बाद ले ली? अरे बाबा, खाने के बाद ली, ले ली। गुड गर्ल मंगला। अरे बदमाश, मुझे नाम से पुकारता है। सॉरी दादी माँ, लेकिन बिल्कुल दादा की आवाज लगी ना। बिल्कुल। मंगला जी, तुमने दवा ले ली? जी ले ली। खाने से पहले या खाने के बाद? क्या हुआ? उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा। उसने? किसने? वो वहां। बाय। ये क्या है मंगला, तुमने अभी की जीन्स क्यों जला दी? दादू, पहले उसी ने मुझे सताया था। तो क्या हुआ? हक बनता है उसका, वो इस घर का असल पोता है, जबकि तुम सिर्फ मेरी एक मुंह बोली पोती हो। तुम नहीं जानते कितने बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे उसके लिए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें। एक दूजे को इतना प्यार दे, ये सांसे ये जीवन वार देना। कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे। Mm.
मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। हमें जीना है सबके वास्ते, हम खड़े ना सच के रास्ते, ना कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें। स्वीट दिया, स्वीट क्या फोटो आया है? फोटोस मुझे भी दिखाओ ना। शो यू नहीं, कब डाट इसको दिखाया तुमने? देखो मुझे फोटो वापस दे दो। अबे प्लीज, ये ठीक नहीं होगा। अबे अरे अरे कहाँ जा रहे तुम? स्टॉप इट, अबे प्लीज अंदर मत जाना। अबे कहाँ जा रहे तुम? अरे अरे बच जाएगी, आपको दिखाओगे क्या तुम? अबे प्लीज प्लीज फोटो वापस दे दो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी प्लीज। अरे वाह, ये देखो बाबूजी की फोटो कितनी अच्छी आई है, और ये तुम्हारी भी वड़ा खाते हुए। हाँ, और मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है आटा खाते हुए। मैं आटा नहीं खा रही थी, नमक चख रही थी। पुराना बाल है तुम्हारा। ये देखो दादी माँ की फोटो कितनी सुंदर लग रही है। मगर तुम तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर निकले। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। सच में अच्छी हैं। लाइए अब मुझे दे दीजिए। क्यों अभय, ये फोटोग्राफ हमें देने के लिए नहीं निकाली है? नहीं, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दीपा और मैंने कभी महसूस नहीं किया है
परिवार होने का हिस्सा क्या होता है। दादा और दादी का प्यार, बुआ का प्यार भरा मजाक और दादी माँ के हाथों से खिलाया हुआ निवाला। ये पिछला हफ्ता एक सपने के जैसे रहा है, जिसे मैं कभी भुलाना नहीं चाहता। षष्ठी पूर्ति होते ही हम सब चले जाएंगे और मुझे पता है आप हमें फिर कभी नहीं बुलाएंगे, इसलिए मैं आप सबको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। जब मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ूंगा तो सबसे पहले मैं दादा और दादी की तस्वीर के सामने जाऊंगा और हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगूंगा और वो मुझे आशीर्वाद दे देंगे। जब मेरी बहन की शादी तय होगी तो मैं आप सबको कार्ड भेजूंगा, लेकिन आप में से कोई भी नहीं आएगा, ना दादी माँ, ना दादाजी, ना आंटी, ना अंकल, कोई भी नहीं। दुख तो होगा मुझे, पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अरे आप सब इतने सीरियस क्यों हो गए? मैं आपको एक सुपर फोटोग्राफ दिखाता हूं। बेटी, ये इंद्र की चेन है, इसे तुम पहन लो। नहीं दादी माँ, दादाजी को शायद अच्छा ना लगे, मगर हाँ किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे मैं इसे जरूर पहनूंगा। बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में। थैंक यू। वैसे तो ये ड्रेस सुंदरी पर ज्यादा जचेगी। साइकिल वाइकिल चलाना था या सिखाना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, मैं साइकिलिंग चैंपियन हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। मेरे भैया भी रनिंग रेस में फर्स्ट आते हैं। हमारी दीदी तो नंबर वन है। मेरे भैया भी नंबर वन है। अभी पता चल जाएगा कि नंबर वन कौन है। हाँ? जो भी मंदिर वाले तालाब से कमल का फूल तोड़ के लाएगा वही नंबर वन कहलाएगा। मंजूर है? मंजूर है। हाँ? अरे मुझसे कोई पूछेगा? मैं लड़कियों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करता। क्यों, घबरा गए? जो बहाने बना रहे हो। हाँ। इज्जत का सवाल है भैया। ओके, ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। गुड लक। 1, 2, 3। अरे दीदी तो निकल गई। डोंट वरी, यहीं लौट कर आ जाएगी। भैया जल्दी उठो वरना हम बैठ हार जाएंगे। भैया उठो। ओके ओके ओके। शायद हारने के डर से वहीं रह गया। हेलो जंगला मंगला। हाँ? रुक क्यों गई? ओह जाओ। बाय द वे थैंक्स। वो किस लिए? क्योंकि दादी माँ ने कई तरह की सब्जियाँ असली घी में बनाकर मेरा वेट बढ़ा दिया है। अब तुम्हारे इस चैलेंज से कम 2 किलो वेट घट जाएगा। तुम्हारा वेट क्या है? 50। तुम्हारे सर का नहीं, तुम्हारी बॉडी का वेट पूछा है। अब पता चला मेरा वेट। अरे रे रे रे, बेचारी का हैंडल टेढ़ा हो गया। चोट
मुझे लगी है। प्लीज। या। ये नहीं। हेल्प मी। साइकिल तो उठानी होगी ना। उठो। साइकिल चला पाओगी? ठीक है, तुम सामने बैठो, मैं चलाता हूं। मुझे तो पहले ही पता था। आए हाय हाय, इतनी जल्दी साइकिल पर बिठा लिया, लगता है जल्दी ही शादी की मिठाई खिलाओगी। ए, तू जाना अपना काम कर, बकवास करती है बिना वजह। अरे रहने दो रहने दो, जो पहले बहुत झगड़ते हैं ना, बाद में वही प्यार में पड़ते हैं। ये मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है। हाँ। जा जा। दीदी के हाथों में फूल है, यानी कि दीदी जीत गई। नेवर, मेरे भैया मंगला से कभी हार नहीं सकते। बोलो ना क्या हुआ भैया? मैं हार गया। हाँ, मैं मंगला से हार गया। मंगला दीदी जीत गई। मंगला दीदी जीत गई। ये झूठी हार जीत समझे बाबू? आपकी असली हार जीत तब तक नहीं होगी जब तक दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। हुआ सलाम दिल का दिल।
अजब सी ये चाहत है, ये पहली मोहब्बत है, पूछो न कैसा हाल है। अंधेरों में उजालों में मैं खोई हूँ ख्यालों में, ये तो गजब का साल है। प्यार के दिए जला के मैंने रोशनी कर ली, प्यार के दिए जला के मैंने रोशनी कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। नजर में बसी है तू, नजारों में छुपी है तू, चेहरा है तेरा हर जगह। जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली, जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली। हुआ सलाम दे सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। अच्छी डॉक्टरी है डॉक्टर साहिबा, चोट उस घुटने पर लगी है पर मलम इस पर लगा रही हो। डर लग रहा है, दुखेगा ना? मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं दुखेगा, प्रॉमिस। कोई बदमाशी नहीं करूंगा, शराफत से लगाऊंगा, प्रॉमिस। ओके बाबा, बदमाशी करूंगा, लाओ। ओके। दुख तो नहीं रहा है? हाँ? अच्छा, तुमने जीत कर भी हार क्यों मान ली? सच सच बता दूं? हाँ? एकदम सच? एक तो यूं ही तुम्हारा घुटना छिल गया था, ऊपर से मैं सच्ची बात बता देता तो जख्म पे नमक छिड़कना हो जाता ना। हाँ? यू अच्छी बात है, अगर तुम्हारी मुसी को बुला कर पाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। नमस्ते विशाल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपकी दया है। क्या बात है भाई, आज सब लोग यहाँ आने के लिए साथ साथ निकले हैं? जी हम आपकी राय लेने आए थे विष्णु प्रताप जी। कैसी राय जी? हम सब लोग इस बार भी बांध के नीचे मेला लगाने वाले थे, माता के मंदिर के आगे। क्या? पर इंजीनियर साहब की बात सुनकर हम सब लोग डर गए कि बांध की हालत खस्ता है, कहीं ऐन वक्त पर टूट टाट गया तो। अरे शुभ शुभ बोलिए रस्तोगी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? माना कि बांध की मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी क्या है? सबका माता पर भरोसा है ना? जी जी, बेशक मेला लगवाइए, माँ सबको संभाल लेगी। आए
आइए बीबी जी, आइए बाबू जी, 10 रुपए में 4 बार किस्मत आजमाइए। रिंग फेंक के नेल पॉलिश जीत के लिए महबूबा खुश हो जाएगी। ये लीजिए भैया नेल पॉलिश प्लीज। मोड़ो ना अपने जादूगर को, फिर शिक करके बना देगा चॉकलेट। देखो बीबी जी, जिस चीज पर रिंग डालोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। जिस चीज पर रिंग डालूंगी क्या वो मेरी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। चिड़ी हार गई। बैड लक, हर चीज पाना इतना आसान नहीं होता। यस भैया, यू कैन डू इट। ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं रे बाबा, वावा लक एक्सचेंज कर लो दीदी, आप लोग आपस में रिंग बदल लो। ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो इस रिंग की बात कर रहा है। क्या भैया? अरे भाई रुद्रा बाबू, अपने वकील को लेकर आए हैं। ये सरासर जाति है वीरेंद्र प्रताप जी। जाति वास्ती समझे, सरकारी नौकर और तनख्वाह लो, चुप बैठो। आन के मामले में सरकार को चिट्ठी लेकर होशियारी दिखाने की जरूरत है, समझे? लेकिन रुद्र बाबू, देर सवेर बांध में छेद तो करना ही पड़ेगा। बांध में छेद नहीं किया जाएगा, इसी बात के लिए तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। दिखाओ वकील इनको। हाँ, वो क्या है? अरे समझे, स्टे ऑर्डर। हम सब मिलकर दो दो हाथ लगाएंगे, 2 मिनट में बांध में छेद हो जाएगा। इन लोगों से बात करना ही बेकार है विष्णु प्रताप जी। यूं मनमानी करने के लिए नहीं होता कानून। तो क्या इंसानों को पानी के साथ बहा के मार देने के लिए होता है कानून? What do you know about the कानून? You just keep quiet. We have this stay order from the court. Do you know what a stay order is? You bloody educated, uneducated people. Maybe we don't know about your stay order, but we do know how to get it vacated. We will send it to be vacated in the open court of law under the writ of manumittance. Now, do you know what the writ of manumittance is, Mr. Shiv Prasad? Yes, it is asking the government to do what it ought to do and not what it ought not to do. Right? Huh? Are you going to explain this to your clients, or do you need a warrant of arrest to refrain you from doing your frivolous activities? आप कानून कैसे जानते हैं? मैं LLB ग्रेजुएट हूँ। हाँ। अरे तुम चुप क्यों हो गए वकील? बात तो उसकी ठीक है, वैसे प्राण हानि का डर बताकर हमारा स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है, बल्कि हम लोगों को जेल भी भिजवा सकता है। वैसे लड़का कानून जानता है। हाँ। कौन हो बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह। यानी कि आप विष्णु जी के पोते हो? जी। अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं, दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा। अरे बोलो, अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह की जिंदाबाद। अबे बाबू जिंदाबाद। अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू। किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। बेटे, मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हें पहनाऊंगा। अबे बाबू, आज दादाजी बहुत खुश हुए हैं, ये मौका छोड़ना नहीं। मंगला का हाथ मांग लो उनसे, वरना। ए, बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाने आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा है? ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा। अबे ओए, इस गांव का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ। दो जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया, अपने आप को गांव का लीडर समझ बैठा है क्या? तू बांध में छेद रुकाएगा? अगर छेद नहीं किया तो बांध फट जाएगा, जाने कितने लोग पानी में बहकर मर जाएंगे। और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बह के मरेंगे, याद रखना। ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम? हाँ, सबसे पहले तो मैं तेरे खानदान को तबाह करूंगा, उसके बाद तेरे आंखों के सामने तेरे दादा को काट कर मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। अबे बाबू चल दीजिए, चल दीजिए। अबे बाबू,
दो दो। क्यों आए हो यहां? किस लिए आए हो? एक बार तुम्हारे बाप ने यहां आग लगाई थी जिसमें हमारे दोनों सुखी परिवार झुलस रहे हैं, और आज तुम यहां आए हो उसी आग में घी डालने के लिए। जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं उसी पर तुम पानी फेर रहे हो। अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों को सिर्फ दो टुकड़े में बांटा, लेकिन लगता है तुम तो पूरे गांव के दो टुकड़े करोगे। जाओ तुम, चले जाओ यहां से, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस गांव से चले जाओ। पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे। बहुत दुखी हो ना? दादाजी ने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दादाजी का थप्पड़ मारना भी तो वाजिब था। तुम जानते हो ये रुद्र प्रताप कौन है? नहीं। तो फिर ये भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं? वो तुम्हारे दादाजी के सगी छोटी बहन का घर है अब है, क्योंकि दादाजी अपनी इकलौती बहन को हमेशा अपनी आंखों के आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद्र प्रताप से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए दूर रह गए थे, वरना दादाजी हर शुभ कार्य बहन के हाथों करवाते। जो जेवर कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते, ठीक वैसा ही अपनी बहन के लिए भी खरीदते। उधर वीरेंद्र प्रताप और उनके छोटे भाई नरेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत करते थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहे। जब यहाँ वीरेंद्र प्रताप के भाई नरेंद्र प्रताप की बेटी अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्याह तुम्हारे पिता इंद्र प्रताप से करना चाहा। वैसे भी उस बेचारी को बचपन से यही समझाया गया था कि इंद्र प्रताप ही उसका होने वाला पति है। अरेंदो, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी बेटे। वीरेंद्र प्रताप, आज तुम इसके मुंह से हाँ करवा ही लो। हैं? देखो इंद्र, नरेंद्र की बेटी अमृता से तुम्हारा ब्याह तो होने ही वाला है। हाँ। अब मेरी शांति बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्याह एक साथ एक ही मंडप में कर दिया जाए। सही है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? जी, मेरा तो ये फाइनल ईयर है तो, और इस साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बात तो इंदर की सही है, इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाया नहीं कर सकते। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी। भाई साहब, फिलहाल हम इंद्र प्रताप और अमृता की सगाई करके शांति की शादी कर देते हैं, फिर अगले साल इन्हीं दिनों में इंदर और अमृता की शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना भाई साहब? ये भी ठीक है विष्णु। सही है। तो इंदु भाई, सगाई करने में तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना? क्या? यही तुम्हारे पिता ने गलती की, उसने एक साल की मोहलत तो मांग ली पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबई में तुम्हारी माँ से प्यार करता था। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था शादी का दिन भी आ पहुंचा। साहब, इंदर बाबू अटैची लेके स्टेशन गए हैं, लगता है वो शहर जा रहे हैं। क्या? साहब, इंदर बाबू आपके नाम ये चिट्ठी देकर गए हैं। बाबूजी, मैं अमृता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाय,
अगर तुम्हारे बेटे का शहर में नैन मटक का चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें? वीरेंद्र प्रताप, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पता होना चाहिए था पता। पता नहीं था कह देने से मेरे घर की तबाही कब नहीं हो जाती। वीरेंद्र प्रताप, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं रुद्र, क्या कर रहा हूँ? रुद्र छोड़ो इसे। नहीं रुद्र, नहीं छोड़ो, ये लग जाएगी। छोड़ो। एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप बड़े होकर रोक नहीं सकते। अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हाथ तुम पर उठ गया। माँ, अभय, कल सुबह होते हम अपने शहर लौट जाएंगे। आज जो सारे गांव के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ। नहीं अभय, इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था, बड़ों की नाराजगी सिर्फ सतह पर होती है, भीतर गहराई में ढेर सारा प्यार होता है। आप बिल्कुल सही थी माँ, कल हम वापस नहीं जाएंगे। अभय जी, बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहां बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या आप भी दादी माँ, दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहां आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे यह है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। ये क्या दादी माँ, दादी माँ उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ, निकल जाओ। तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। Come on, दादी माँ, अब रो मत, दादी माँ।
69 70 71 सुनिए, नहाने का पानी रख दिया है बाल्टी में। बाल्टी में क्यों? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी था। क्यों बेकार में गुस्सा होते हैं आप? बेकार में? समझाओ अपने भतीजे को, कुछ अकल से भी काम लिया करे। गलती इसकी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने पोते के मुंह पर थप्पड़ मारकर सारे गांव के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। बेकार में गुस्सा हो रहा हूं। भाओ, इस दूध में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो, कुछ बुद्धि तो चले उसकी। कह देना उससे ऐसी वाहियात हरकतें ना किया करे, समझा देना उसे। 850 हाँ बोलो जी। ताजी ने सिखा पड़ा के भेजा ना कि जाओ उपदेश दो उसे। नहीं जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। चलो मेरे साथ। सब भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला लाख के लपटों को जिन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली। मैं नहीं भूला अपने बाप के मौत को। मैं कुछ नहीं भूला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभय बाबू, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं ये सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं गोविंदादा, नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इन दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा, और वो समय अब आ गया है। राम करे ऐसा ही हो जाए। हाँ राम करे। वैसे तो मैं दो दिन के लिए नदी पार रामनवमी के लिए जा रहा हूँ। इस बीच बांध में जरा भी दरार दिखाई दे तो फौरन ऑफिस में खबर करना, समझे? जी बिल्कुल, आप कोई फिक्र ना करें, आप आराम से जाकर आए। चलो हरभजन, आरती से पहले उस पार पहुंचना है। माफ कीजिए मालिक, इंजन में पानी चला गया है, आप उस नाव से चले जाइए। वक्त पे तेरी बोट खराब होती है हमेशा। ओफो, इस नाव से जाएं या उस नाव से, मतलब तो मंदिर पहुंचने से है ना। चलो उस नाव से चलते हैं। संभाल के सुनंदा, हाथ लो। भगवान साहब, ये सामान यहाँ रख दूँ या वापस चलना है? वापस क्यों? ये बोट किसी के बाप के थोड़ी है। चल बैठ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा अभी देती हूँ। बेवकूफ कहीं के। कौन है? अरे ये तो नीचे से आ रहे हैं। मेरा चश्मा कहाँ है? आए? अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ चतुर्वेदी। ये क्या देख रहा हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह और विष्णु प्रताप सिंह दोनों एक साथ हैं? यानी रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकली, दोनों का मेल हो गया है। नहीं तो है? आपको नहीं पता? अरे नहीं पता जी। नमस्कार वीरेंद्र प्रताप जी। नमस्कार विष्णु प्रताप जी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आज से 23.5 साल पहले कि आप लोगों के परिवार का मेल अवश्य होगा, लेकिन ये पंडित राधे बोला असंभव, अम्पॉसिबल। चतुर्वेदी जी मेरी सुनिए। राम 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 राम। अरे राम 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 राम। मैंने तो पहले ही कहा था विवाह के लिए मुहूर्त बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुई विधवा। आई एम सो सॉरी। कहिए सुनंदा बहन जी, भाभी जी से मिलकर प्रसन्नता। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन वीरेंद्र प्रताप जी को विष्णु प्रताप जी के चरणों में गिरना ही पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अब लिया ना आशीर्वाद? चतुर्वेदी जी मेरी बात तो कहिए। क्यों रुद्र बाबू, बड़ी हांका करते थे कि मामा मामी से कभी संबंध नहीं रखूंगा, अब क्या हुआ? अरे माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, घिसते नहीं। इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें।
अरे झूठ बताने के लिए मैं ही मिला था। उस रुद्र ने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टन टन आती रहेंगी। अरे इन दोनों खानदान का कभी मेल हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। ये पंडित राम वरुण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है, समझे आप? मिलेंगे कहो तो वो मारता है, नहीं मिलेंगे कहो तो ये मारता है। अरे अच्छे चक्कर में फंसे पंडित रामवरण चतुर्वेदी, एक ही गाल पर दो दो कमबख्त इस गाल पे नहीं मार सकता था। भगवान कुछ ऐसा करो कि अगली रामनवमी पर अभय और मैं पति पत्नी बनकर तुम्हारे दर्शन करने आए। भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवार एक हो जाए, दादाजी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लूं। यूं तो वर वधु ही सबका आशीर्वाद लिया करते हैं, परंतु षष्ठी पूर्ति कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है, इसलिए उनका आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटे, जीती रहो, जीती रहो। पकड़ो पकड़ो, अरे बच्चों तुम लोग यहाँ मत जाना, वो लोग खो जाओगे, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ला 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 ला। ये बता चिंटू आज क्या खाएगा, चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके चिंटू आंख बंद करके 5 तक गिनो और आइसक्रीम हाथ में आ जाएगा। हाँ भैया जल्दी आना। ओके 5 से पहले आंख नहीं खोलना। ओके हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 हाँ? कहाँ चले गए भैया? भैया 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 ओ साहब, ओ बच्चा खो गया है। खो नहीं जा, रो रहा। रा बालक क्यों रो रहा तू? मेरे साथ चौदह लोग खो गए हैं। अच्छा इसके साथ के ना 14 लोग खो गए हैं। अरे सर 14 नहीं, बच्चा खो गया है। ओए क्लेश, बच्चा खो गया है। रा बालक 14 में से 2-3 को तो ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। ना ना रो मत ही तू। इस बच्चे की रिश्तेदार है। और तैने कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मैं इसका भाई हूँ। जो आ रहे हैं वो इसकी फैमिली है और तू बोला तो उसका भाई है। ओए 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 जय हनुमान। ओए ओए मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मैं तो बच्चा देख रहा हूँ, सपना तो आप देख रहे हैं। अब बात बोलने लग गया तू? ये अपने हाथ में रखो। ठहरिए जी। ओ फैमिली जी, ओ जय हनुमान जी, ओ ये बच्चा पहचानते हो? नहीं। ये तो गौरी का बेटा है, मेरे भाई का नाती। हमने कहा ना इस बच्चे को नहीं जानते। पुलिस अंकल ये हमारे नाना जी के सामने वाले घर में रहते हैं। भाई साहब गलत बात, फैमिली एक्शन के बीच में है ना, जो है बच्चे का रायता मत बनाओ प्लीज। इस बच्चे को इसकी माँ से मिला दो प्लीज। आजा आजा बेटे। क्या अभी नाना जी नानी माँ का दुख जाएगा, आप मुझे गोदी में ले लो ना। लो ना नाना जी, मुझे आपकी गोद में आना है। बच्चों चिंटू कहाँ है? अभी तो यहाँ खेल रहा था, तुमने देखा? पता नहीं मम्मी। चिंटू तो फिर कहाँ चला गया? चिंटू चिंटू बेटी देखो कहाँ गया बच्चा। मैंने नहीं देखा, इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? अरे दादी माँ,
जरा वहाँ देखो। नाना जी आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं काटते? बहुत बड़ी हो गई है। चिंटू, चिंटू बेटा तुमको मना किया था ना? तो अच्छा हुआ ये उन लोगों को मिल गया, वरना आज क्या हो जाता। इधर आओ, कहाँ चले गए थे तुम? अबे भैया ने कहा कि आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम चाहिए था तो बोल देता मुझे, मैं बना देता जादू से। चिंटू नॉटी बॉय चिंटू। उधर भगवान से क्या मांगा तुमने? बता दूंगा तो फिर मन्नत पूरी नहीं होगी। होगी क्यों नहीं? वैसे एक तरीका मुझे भी पता है। क्या? अगर तुम नदी में डुबकी लगाओ और पूरे 3 मिनट तक बाहर न निकलो तो तुम्हारी मांग यूं पूरी हो जाएगी। सच? ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? डुबकी लगाने। अभी मैं तो मजाक कर रही थी, सुनो 3 मिनट में पल्स रेट इतना गिर जाएगा कि हार्ट फेल हो सकता है। तुम अपनी घड़ी देखो। अभी सुनो, मांग 2 मिनट में भी पूरी हो सकती है। 3 मिनट, अपनी घड़ी देखो। संभालना, पानी गहरा है। अबे निकाल के रखती तुमने मेरी, पता है? अगर तू पलौ नहीं आती तो क्यों किया थे तुमने मेरे साथ? क्यों? मंगला, क्यों? मंगला। क्योंकि अपने भाग का सुख दुख तो हर किसी को सहना पड़ता है। अब कभी नहीं बात करूंगी तुमसे, कभी नहीं। जब से देखा तुमको, हाँ जब से देखा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। जब से चाहा तुमको, जब से चाहा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। सोचते हैं कुछ हम, कहते हैं कुछ, चाहते हैं कुछ हम, मांगते हैं कुछ, आज कल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं।
अपनी गली का पता भूल जाते हैं, तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं। मत करो मची, कहा ना अनारकली 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 कहाँ छुपी हो? क्या ढूंढ रहा है? पैर हटाओ ना, क्यों परेशान कर रही हो? क्या हुआ? मेरी अनारकली अनारकली आओ ना। अरे अरे भाई क्या हुआ, क्या हो गया, किसे ढूंढ रहे हो? मेरी बच्ची, मेरी रानी, मेरी सोनी ब्लैक ब्यूटी अनारकली। अच्छा अच्छा, अरे अरे बार बार नीचे क्यों जा रहे हो? बहुत छोटी है क्या? इतनी बड़ी है। इतनी? अरे कोई बच्ची को इतना बताता है, कोई इतना बताता है। तुम पहले आदमी हो जो बच्ची को यूं बता रहे हो। ओके, इंसान की बच्ची है क्या जो यूं 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 बताऊं? इंसान की नहीं है, फिर किसकी है? सांप की। मेरी रानी, मेरी सोनी, मेरी मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया। देवता, ये आप ही की कृपा है कि उनका हाथ इनके कंधे पर आ गया और इनका बच्चा उनकी गोद में आ गया। जय हो डाक देवता। आइए इधर आइए। बैठिए दीदी। इतना परेशान किया तूने मुझे अनारकली। मैंने इसे पकड़ लिया, आप उसे छोड़िए ना। मालिक, आपके खेतों में जंगली हाथी घुस गए। क्या रुद्र? हाँ, तुम घर से बंदूक लेकर आओ और तुम हाके वालों को बुलाओ। जी।
ढोल ताशे बजवाओ, बम पटाखे चलवाओ, जाओ। Oh!
ताऊ जी। डॉक्टर मंगला सोलंकी MBBS का विवाह चिरंजीव अभय विष्णु प्रताप सिंह LLP दैट्स बेटर। मंगला कैसी है? अच्छी है। हाय अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा। कौन है? अभय इंदर भैया का बेटा। इंदर का बेटा? उम्मीद करता हूँ कि इसका बाप जैसा ना हो। अभय तुम वहां क्या कर रहे हो बेटे? एक मिनट दादी माँ, एक मिनट। यू सारी इज अ ब्यूटीफुल दादी माँ। क्या? आपकी सारी साड़ियां बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं तभी तो अलमारी में रखी है ना। उससे क्या फायदा दादी माँ। चलो इनमें से एक पहन लो और फिर आप पर मैं कार्ड देने जाएंगे। कार्ड? वो तो सारे के सारे भेज दिए। अपने ननंद को कार्ड दिया आपने? वो उनकी यहाँ तो खुद जाके देना पड़ेगा। नहीं बेटे वो तो शायद दरवाजे से ही लौटा देंगे। अजी ऐसे कैसे लौटा देंगे? आखिर अभयेंद्र विष्णु प्रताप सिंह नाम है मेरा। ये अच्छी है, ये पहन लो। कम ऑन दादी माँ, यहां तक आकर बिना कार्ड दिए हम वापस नहीं जाएंगे। ओके कौन है उधर? हाँ कोई भी तो नहीं। मुझे तो उस बंबई वाली की आवाज सुनाई दे रही है। आपको तो हर वक्त उसी की आवाज सुनाई देती है। भाभी दादी माँ टीका करो और काट देता हूँ। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। सर पर जल्दी पानी डालो। हाँ। जल्दी डालो। पानी डाल रही हूँ। अरे बेवकूफ ये क्या डाल दिया तूने? सर पर पानी डालो। जल्दी हो गई उबटन डल गया। पूरी आग जल रही है। पानी डालो सर पे। पानी बेवकूफ कहीं की। पानी खत्म हो गया। कहाँ रहता तुम? मैं भी पानी लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ मैं पानी लेकर आती हूँ। ये बच्ची तुम्हारे भैया के साथ मेरा ब्याह दोबारा रचा रहे हैं। बीती बातों को भूलकर आने की कृपा करें। नमस्ते। दादी माँ और दादाजी के जीवन का ये बड़ा ही शुभ दिन है। सारा गांव घर में जमा होगा पर घर की इकलौती बेटी और दामाद जी नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। प्लीज जरूर आइएगा। साहब जी साहब जी साहब जी बांध में दरार पड़ गई है। सारा गांव उसी तरह भाग रहा है। अगर पानी के इस बहाव को रोकना है तो हम सब मिलकर उत्तर की तरफ छेद कर देते हैं। मेरे खेत बर्बाद होते हो तो हो, हमारा गांव सलामत रहना चाहिए।
कहाँ जा रही हो? जी वो सात वालों के घर में शादी है, सब लोग वहीं गए हैं। इसलिए तुम भी जा रही हो? मैं भी जा रही हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। तुम लोगों का तो खून सफेद हो गया। एक दूजे को इतना प्यार दे, ये सांसें ये जीवन पार देना कभी की बात हो गई। दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई, बेकरारी बढ़ी मुलाकात हो गई। कहीं पायल बजी खन की चूड़िया, कहीं पायल बजी खन की चूड़िया। नहीं तोड़ा जाए दिल से दिल का नाता।
चूड़ी 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 पहनोगी पिया की चूड़ी चूड़ी। चकोरी बिन बांधे ही बन जाती है दो सांसों की डोरी। चूड़ी 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 मिलके कभी ना बिछड़े धरती अंबर चांद चकोरी बिन बांधे ही बन जाती है दो सांसों की डोरी। चूड़ी 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 पहनोगी पिया की चूड़ी चूड़ी। चूड़ी रे चूड़ी रे पहनो पिया की चूड़ी रे। चूड़ी 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 अभय अभय अरे यही सही वक्त है। इस वक्त दादाजी बहुत खुश है। जाओ जाके उनसे मंगला का हाथ मांग लो। जाओ जाओ। जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक, यदि वैसा ही कोई शुभ कार्य उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ जाता। अब इस घर उस घर मत कर गंजो, अब दोनों घर एक ही हो गए हैं। अरे कहां मालिक, अभी तक रुद्र बाबू का गुस्सा शांत कहां हुआ है? फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद में और आनंद आ जाता। क्या मतलब? अब देखिए ना, पहले इस घर की बेटी उस घर में भी आई गई यानी अपनी मालकिन, मगर बदकिस्मती से उस घर की बेटी इस घर में ना आ पाई, इसलिए अब बारी है कि इस घर की बेटी उस घर में ब्याही जाए। यानी अपनी शांति बिटिया का बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है अचल, और जयकुमार बाबू की बेटी जिसे आप अपनी पोती मानते हैं यानी मंगला, अगर इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे। वैसे बात तो ये ठीक कह रहा है विष्णु, एक शादी में हम बिछड़ गए थे, दूसरे में फिर से मिल जाएंगे, क्या कहते हो? मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं जयकुमार की पूछनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप, मुझसे ज्यादा हक तो मंगला पे आपका है। अब बिल्कुल देर मत करो अभय, इससे पहले कि बात काबू से बाहर हो जाए जल्दी जाके अपनी बात कर लो। जाओ जाओ। बाबूजी, एक झिझक के साथ एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा। आज ये रिश्ता जोड़कर आप सभी लोगों ने मुझ विधवा का आंचल रंग दिया। तो वीरेंद्र, अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई कर देते हैं? नहीं विष्णु, सगाई हमें रास नहीं आती, हम तो सीधा शादी का मुहूर्त निकालेंगे। ठीक है।
ये ले लो जी। लीजिए, आओ बेटे। बेटा भाई। जी दादाजी। इधर आओ, इधर आओ बेटे। इन दोनों घरों की खुशियां तुमने वापस लौटा दी है। मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस शादी के बाद तुम्हारी शादी की बारात भी इसी घर से निकले। अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो तो बेटे मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है जी। एक और बात, तुम चाहते थे ना ये चेन मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। जी हाँ। आओ बेटे। बेटे आज के बाद कभी भी मेरे बेटे की कमी मुझे महसूस नहीं होने देना। नहीं जी तेरा कभी नहीं। आओ खुश रहो बेटे, खुश रहो। वीरेंद्र प्रताप जी खुद चल के आ रहे मुझसे मिलने। अरे ये सूरज कहां से निकला है, लेकिन किस लिए? उन्हें एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है शादी के लिए। शादी के लिए? अरे उनकी पत्नी तो जिंदा है, दूसरी शादी करेंगे क्या? इसलिए तो लोग तुम्हें लात मारते हैं। अरे मालिक अपने नाती की शादी के लिए आ रहे हैं। नाती? हाँ। वो विधवा शांति बहन का लड़का? अरे वो तो गया था अमेरिका पढ़ने, लौट आया क्या? लड़की कौन है? मंगला, मंगला अपने जय कुमार बाबू की बेटी। हाँ। वो तो विष्णु प्रताप की पोती है। चतुर्वेदी जी पोती नहीं, पोती जैसी है। अरे जो भी हो, शादी तो विष्णु प्रताप जी के यहाँ ही होगी ना। हाँ तो लगता है बड़े जोरों की लगी है, बिना डब्बा लिए ही भाग गया। उस दिन पहले रुद्र बाबू ने पीटा, फिर बंबई वाले ने पीटा, आज ये किसी और से पिटवाने की चाल चल रहा है गज्जू। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे चतुर्वेदी जी? आज तो विष्णु जी के घर में बात पक्की हुई है। अच्छा? हाँ तो बात ही पक्की हो गई। बिल्कुल पक्की। बेवकूफ समझा गया तूने मुझे। मैं चतुर्वेदी हूँ, चतुर्वेदी। चार वेद पढ़े हैं मैंने, मुझे बनाने चला है तू। वो क्या है आसमान, ये क्या है धरती? अगर तू कहे दोनों एक हो सकते हैं तो मैं मान जाऊं कि दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन विष्णु प्रताप और वीरेंद्र प्रताप कभी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। अगर ग्रह फिर जाए और दोनों एक हो जाए, लेकिन शादी के मंडप में फिर अलग हो जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। राम भरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है। क्या फिश-फिश कर रहा है? मेरी बात याद रख ले। हाँ, तू भी याद रख ले। शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, तू तो अपशकुन कर रहा है नालायक। इसका भविष्य दिखाओ इसे। हर बार अशुभ बोल के मार खाते हो, तुम्हारा शुभ दिन कब आएगा चतुर्वेदी? तोड़ दिया रे चारों तरफ से। दूसरों की किस्मत का हाल पढ़ने से पहले अपनी किस्मत का हाल पढ़ लेता रे चतुर्वेदी। ये मिठाई उनके घर दे देना, ठीक है? जी हाँ। अरे हमें पता चल गया मंगला दीदी का दूल्हा कौन है, हमें पता चल गया। अच्छा, कौन है? बहुत हैंडसम है, खूब पढ़ा लिखा है, फॉरेन में है, नाम है अचल। अचल। ये अचल कौन है? जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शादी? लेकिन मेरी शादी तय की किसने? नाना जी ने और तुम्हारी मम्मी डैडी ने, लड़की की माँ शांति बुआ ने, वीरेंद्र नाना ने और सब ने।
अभय सुना तुमने शांति बुआ जी का बेटा आजकल जो फॉरेन में पढ़ रहा है उसके साथ मेरी शादी होगी. हाउ फनी इट इज. इसमें फनी क्या है? और नहीं तो क्या. पता नहीं वो कौन है कैसा है. वैसे भी शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को समझना या फिर हम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है ना. क्यों? क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? ये सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. ये क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या. ये गलत फहमी तुम्हें कैसे हो गई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो जब से आए हो किसी न किसी तरह रुला रहे हो. अब बस करो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है. चलो चल कर सबसे कहते कि हम एक दूसरे से प्यार करते. औरों की तरह तुम्हारे साथ भी मजाक किया था मैंने. मंगला जिसको तुम प्यार कर रही हो गलत समझ रही हो तुम. मैं गलत समझ रही हूँ? जब भी हम दोनों की नोकझोंक के बीच तुमने मुझे हराया मुझे ऐसे लगता था कि तुमसे हार के भी मेरी जीत है. हंसते खेलते मुझे रुलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीरें खींची मैंने समझा कि मैं तो तुम्हारे दिल में बस गई हूँ. और जब तुमने सबसे कहा कि तुम साइकिलिस्ट हार गए और मैं जीत गई उस पर मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे दिल में जगह कर ली है. लेकिन अब पता चला साइकिल रेस नहीं तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई. बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो हम इतने दिन साथ साथ रहे क्या किसी भी पल तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? नहीं. तुझसे बेरुखी
दुश्मनी कर ली बेबसी मेरी तुझसे दुश्मनी कर यहीं पे काम करोगे तो वहां कौन देखेगा जी जाओ जल्दी जाओ जी जाता हूं अभय अब तो शादी की तैयारियां भी कितनी शानदार तरीके से हो रही है ना हाँ होनी भी चाहिए आखिर विष्णु प्रताप सिंह के परिवार में शादी हो रही है कहीं कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ देखो और कहो ये मंगला की शादी हो रही है बेटे अरे क्या माँ तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं बेटा मैं तेरी माँ हूँ क्या तेरे दुख का अंदाजा नहीं है मुझे तेरे होठों पे हंसी तो है पर तेरी आंखों में जो दर्द है ना वो मुझे साफ नजर आ रहा है अब इन सब बातों का क्या मतलब क्या तू मंगला से प्यार नहीं करता हाँ माँ मैं मंगला से बहुत प्यार करता हूं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये 10 दिनों का साथ ऐसा लगता है कि मैं उसे बरसों से जानता हूं जैसा मेरा कोई रिश्ता हो उसके साथ अबे तू उसे इतना चाहता है क्या उसके बगैर तू जी पाएगा बेटा हाँ इधर आओ माँ देख इतने सालों बाद इस घर में खुशियां लौट आई हैं दादाजी फिर से अपनी बहन को मिल सकते हैं और शांति बुआ को देख माँ पूरे 25 साल बाद उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दी है अब अगर मैं कुछ कहूं तो ये दो परिवार आपस में फिर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और मैं अपनी एक खुशी के लिए सबकी खुशियां नहीं छीन सकता मां और अगर मंगला ने तुमसे ये पूछा कि इन सबकी खुशियों के लिए तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकराना चाहते हो तो तुम क्या जवाब दोगे मैं मंगला से कह चुका हूं कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया अगर उस दिन मैंने या तुम्हारे पिताजी ने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद आज तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू न देखने पड़ते नहीं मां प्लीज एक दो दिन की तो बात है उसके बाद हम मुंबई लौट जाएंगे ढेर सारी यादें लिए और उन्हीं यादों के सहारे मैं जी लूंगा मां अभय अगर तू मेरा बेटा ना होता तो आज मैं तेरे पांव छू लेती अरे नहीं मां मां के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं माफी मांगने के लिए नहीं जा मां मंगला को दुल्हन बना उसे आशीर्वाद दो वो हमेशा खुश रहे ऐसी शेरवानी सिलवा देते ना तो बहुत अच्छा होता मैं तुझे सूट सिलवा दूंगा फिकर मत कर सूट पे ये माला कैसे पहनूंगा हाँ वैसे ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे।
चलो ना भाभी। रुद्र चलो उठो, वहां वो इंद्र प्रताप का बेटा भी होगा जिसे देखते मेरा खून खौल उठता है। रुद्र ब्याह मेरे बेटे का हो रहा है, तुम्हारे भांजे का, चलकर उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? चलो ना भैया। अब चलिए मैं आता हूं, तुम भी जाओ इनके साथ। चलो चले मुन्ना, आजा। विष्णु मुबारक हो भैया। मुबारक हो। भैया, मंगला दीदी ने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। मंगला ने? हाँ, पहले तो गुस्से में थी, फिर रो रही थी, फिर वो अटैची उठा के कहीं चली गई। क्या हुआ भाई? हाँ, मंगला चली गई है। हाँ गोविंद दादा, हा? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैं किसी भी तरह उसको वापस लेकर आता हूँ। शुभ घड़ी बीती जा रही जजमान, कन्या को बुलाइए ना। अरे भाई कहाँ है मंगला, बुला लो उसे, जाओ बुलाओ। दादाजी, दीदी तो घर पे नहीं है। घर में नहीं है क्या मतलब? चलो बिटिया, तुम्हें मम्मी बुला रही है। एक मिनट ठहरो। मंगला का है? चलो बिटिया। रुद्र मंगला का है? भैया के लिए चिट्ठी छोड़ के चली गई। अभय कहाँ है? वो भी दीदी के पीछे चले गए। मना किया था मैंने, ये रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब देख लो नतीजा। रुद्र प्रताप, एक मिनट। जैसा बाप वैसा बेटा, वो दुल्हन को वेदी की आग में झोंक कर चला गया था और ये दुल्हन को वेदी पर से भगा कर ले गया। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो अमृता दीदी के शादी का वक्त था। अब मैं दुल्हन को गांव से बाहर नहीं निकलने दूंगा। हाँ मेरे साथ। रुद्र जल्दबाजी से काम मत लो, ये जल्दी अगर पहले कर ली होती थी नौबत कभी ना आती। और आप लोग यहां से कोई मत जाना, मैं दुल्हन को भी वापस लेकर आता हूं। और तुम लोग शहनाई यहीं पर बजाना, पहले शादी की उसके बाद मातम की। रुद्र हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। रुद्र ये जो तुम कर रही हो गलत है, प्लीज प्लीज वापस चलो मेरे साथ। ठीक है मैं चलूंगी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और के साथ शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मंगला शादी से सिर्फ हम खुश रह सकते हैं, क्या तुम्हें दूसरों की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं? मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी खुशी ज्यादा प्यारी है। अबे तुम प्यार के लिए कुर्बानियां दे सकते हो लेकिन प्यार को तो कुर्बान नहीं कर सकते। वीरेंद्र प्रताप, ये मेरा जूता उठाओ और इससे आज मुझे बहुत मारो। सबके सामने मुझे आज इतना मारो कि आज के बाद कोई भी मुझे अपनी बराबरी में नहीं बिठाए।
ताकि सारी दुनिया को पता चले कि मेरा खून ही गंदा है। बाजू शांत हो जाइए। बेटा वो जो नालायक निकला और आज ये पोता। नहीं साहब जी नहीं, इस सब में अभय बाबू का कोई दोष नहीं है। तुम चुप रहो गोविंद। नहीं रहूंगा साहब जी, मैं चुप नहीं रहूंगा। इतने दिन अभय बाबू चुप रहे और उसका नतीजा यही हुआ कि आप उनके पीठ पर भला बुरा बोल रहे हैं उनको। असली बात तो यह है कि अभय बाबू और मंगला बिटिया प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले थे दोनों, लेकिन इतने में रिश्ता तय हो गया। मगर आप लोगों के खुशी के लिए अभय बाबू ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, गला घोट दिया अपने प्यार का, ताकि आप दोनों के परिवार में फिर से मेल हो जाए। ये क्या कह रहे हो गोविंद? मैं सच कह रहा हूं बाबूजी, सोलह ने सच कह रहा हूं। वो मंगला बिटिया नहीं मानी, उसे लगा कि ये पाप है, ये महापाप है कि मैं प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से करूं। ऐसे कभी घर नहीं बसते साहब जी, घर बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए वो घर छोड़ के चली गई और जाते वक्त ये चिट्ठी छोड़ गई। मेरी बात तो सुनो मंगला। मेरी सब सुन लिया भाई, सब सुन लिया है। तुम्हारी हर बात जो तुम अपनी माँ से कह रही थी, तुम्हारी डायरी का हर एक पन्ना पढ़ा है मैंने, जिसमें तुमने सिर्फ हमारे प्यार के बारे में लिखा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे चाहते हो, प्यार करते हो तुम मुझसे। क्यों अब है, क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को, क्यों धोखा दे रहे हो? प्लीज इस समय मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो अगर तुम घर नहीं चलोगी तो वहां क्या होगा। हाँ पता है, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिख दिया, जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। मंगला मंगला मंगला, अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हमारे घर की भौंक भगाने की है? देख रुद्र, मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रहा था। अबे मैं यहाँ मंगला को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अबे साले मुझे देखकर बात घुमा रहा है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तू भी अपने बाप की तरह यहाँ से भागने की तैयारी में था। नहीं रुद्र, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या समझने की कोशिश, क्या समझने की कोशिश करूँ? बचपन से इसी दिन का मौका ढूंढ रहा था, साले मेरे घर की बहू पर मजा डालता है। मारो साले को। मंगला मंगला आंखें खोलो, उठो उठो मंगला, उठो मंगला मंगला, उठो
आप है? ये क्या कर रहे हो तुम? चलिए दादी, ये क्या कर दिया तुमने रुद्र? बहुत चढ़िए रात से दादाजी, यकीन करो मैं मंगला को घर ले जाने के लिए आया था। जानता हूँ बेटे, सब जान गया हूँ, मगर देरी से। बेटे तुम अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को मिलाना चाहते हो, मैं आज तक प्यार करने वालों की भावनाओं को समझ नहीं पाया। पहली गलती अपने बेटे के साथ कर बैठा, दूसरी तुम्हारे बेटे। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जब मैंने तुमसे पूछा, कहा क्यों नहीं कि तुम मंगला से प्यार करते हो? अगर बताते तो क्या करते? अरे मारपीट और खून खराबे से जिंदगी की गुत्थी सुलझती नहीं है और उलझ जाती है। तू बता आज तक नफरत से हमें क्या मिला? अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और अपनों से ही हमेशा दूर रहे। सच्चे प्यार के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं, पर इंसान क्या चीज है? मंगला तुम्हारे ही घर की बहू बनेगी। जय हो विष्णु प्रताप जी, जय हो वीरेंद्र प्रताप जी। अरे आइए आइए, राम मरम चतुर्वेदी साहब आइए। अरे उस दिन आप लोगों ने मुझे पीटा तो मैं शहर चला गया था इलाज करवाने के लिए। लौट कर आया तो पता लगा कि आप लोग एक हो गए हैं। है? राम मरम चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकल जाए मुझे यकीन नहीं होता। क्या आप सचमुच एक हो गए? नमस्कार प्रभु, अंदर तो आइए। बाप रे, आपने ही बोर्ड पर मारा था मुझे, मैं भूल नहीं सकता। मैं चलता हूँ। अरे चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी नहीं है, मैं त्रिवेदी हो गया हूँ, एक वेद कम कर दिया मैंने, मैं जाता हूँ। अरे अंदर तो आइए चतुर्वेदी जी, देखिए हम सब एक हो गए अभी। कहाँ ले जा रहे हैं? सुनिए, मैंने इन दोनों को अलग किया था, अब मैं ही दोनों को मिला रहा हूँ। देखिए सीताराम की जोड़ी, अब जल्दी से इनकी शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। शादी का क्या, अब तो मैं सुहाग रात का मुहूर्त निकाले देता हूँ, ये लो। क्यों इरादा ठीक है ना? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे। एक दूजे को इतना प्यार दे, ये सांसे ये जीवन वार देना। कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे।
चैन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। हमें जीना है सबके वास्ते, हम छोड़े ना सच के रास्ते, ना कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें।